नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार के आरा में आज VKSUMM महिला कॉलेज की छात्राओं ने जमकर हंगामा किया, बवाल मचाया। इस क्रम में उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल की गाड़ी तक पे पथराव कर दिया। जी हां, हंगामे के बीच प्रिंसिपल की गाड़ी पर छात्राओं ने पत्थरबाजी की और प्रिंसिपल की गाड़ी की शीशों तक को तोड़ दिया। आपको बता दें कि मिड टर्म परीक्षा की जानकारी समय पर नहीं देने का आरोप लगाते हुए सुबह स्नातक कोर्स की छात्राएं आक्रोशित हो गई। कॉलेज गेट के बाहर जमा छात्राओं ने प्रिंसिपल एवं अन्य शिक्षिकाओं को घेर लिया। उन्होंने कॉलेज प्रिंसिपल की गाड़ी पर पथराव कर दिया, इससे उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। इस बवाल में अभी तक किसी को चोट पहुँचने की सूचना नहीं है। छात्राओं का हंगामा जारी था। जानकारी के मुताबिक आरा विमेंस कॉलेज में स्नातक 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के मिड टर्म टेस्ट की हाल ही में तारीख घोषित की। 6 से 9 नवंबर के बीच ये परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने रविवार को ही अचानक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया, उनमें समय पे पहले जानकारी तक नहीं दी गई। सोमवार को जब वे कॉलेज पहुंची तो उन्हें मिड टर्म एग्जाम के बारे में पता चला। इसके बाद मंगलवार को उनका आक्रोश भड़क गया और वे धरने पर उतर आईं। आरा के VKSUMM महिला कॉलेज की छात्राओं का आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने प्रिंसिपल की गाड़ी पर पथराव किया, उसके शीशे तक तोड़ डाले। छात्राओं का ये आरोप था कि उन्हें मिड टर्म परीक्षा की तारीख का पहले से जानकारी नहीं दी गई थी, जिसको लेकर जब वो मंगलवार को कॉलेज पहुंची तो छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद उन्होंने कॉलेज गेट पर ही कॉलेज की शिक्षिकाओं को घेर लिया और इतना ही नहीं, कॉलेज के प्रिंसिपल की गाड़ी पर उन्होंने पत्थरबाजी कर दी, शीशे तक तोड़ डाले। हालांकि इस पूरे मामले में किसी को चोट लगने की सूचना सामने नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि छात्राओं ने आक्रोश में ये पूरा हंगामा किया था, जिसके बाद शिक्षिकाओं को घेरा और प्रिंसिपल की गाड़ी पर भी पथराव कर दिया। क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में, इसकी जानकारी हमने आपको दी इस रिपोर्ट में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।